पृथ्वी शॉ के तूफान में कोलकाता हो चुका है तबाह। 7 विकेट से दे दी है दिल्ली ने कोलकाता को मात। जी हाँ, दबंग दिल्ली के दबंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 रनों की तूफानी पारी खेली और जिसके दम पर दिल्ली ने केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए। जवाब में तूफानी कार्रवाई करते हुए पहले ही ओवर में 6 चौके जड़कर पृथ्वी शॉ ने जीत की आसान नींव रख दी। शॉ और धवन ने शतक की साझेदारी कर टीम को 7 विकेट से आसानी से जीत दर्ज करा दी। दिल्ली की यह 5वीं जीत है और अब वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं केकेआर अब भी अपने 5वें स्थान पर रह गई है। केकेआर की फ्लॉप बैटिंग और रसल ने बचाई बाकी बची केकेआर की इज्जत। केकेआर की बैटिंग ने एक बार फिर से निराश किया है और कोई भी बल्लेबाज तेजी से बड़ा स्कोर नहीं कर सका सिवाय शुभमन गिल के। शुभमन गिल ने 43 रन की पारी, वो भी धीमी खेली। आखिरी ओवर में रसेल ने केकेआर की लाज बचाई। 27 गेंदों में 45 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम के स्कोर को 154 तक पहुंचाया। जवाब में दिल्ली की शानदार शुरुआत रही। पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में शुभम मावी को आड़े हाथों लिया और 6 चौके जड़ दिए। IPL इतिहास का यह सबसे बड़ा ओवर है। चौकों के मामले में पहले ही ओवर में 25 रन किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बटोरे। आपको बता दें केकेआर ने पहले ही ओवर में हमले से कभी उबर नहीं पाई। धवन और शॉ ने एक शतक की साझेदारी करते हुए आसान जीत सुनिश्चित कर दी। आखिर में पैट कमिंस ने 3 विकेट जरूर लिए जो कि दिल्ली को जीत से रोकने के लिए काफी नहीं थे। आपको पृथ्वी शॉ की पारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए कि वह आने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्या ओपनिंग के लिए दावेदार हो सकते हैं या नहीं। क्या आपको पृथ्वी शॉ को देखकर सहवाग की याद आती है? क्या वह सहवाग जैसी बैटिंग करते हैं? यह भी हमें बताइए।